और प्रोटोजोन में बच्चों सबसे पहले बच्चों किसकी बात करेंगे अपन, मलेरिया की बात करेंगे। ठीक है, मलेरिया सबसे पहले इसके पैथोजन का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की चार स्पीसीज होती है। कितनी? चार। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और बच्चों प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर प्लाज्मोडियम वेल का जिक्र नहीं है, और हमारी एनसीईआरटी बुक ने जिसका लाइफ साइकिल समझाया है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का है। और जनरली जो आपको मलेरिया होता है वो कौन सा होता है? वाइवेक्स। मतलब वाइवेक्स जो है बच्चों ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन बच्चों। ठीक है। अच्छा, फेल्सीफेरम, प्लास्मोडियम फेल्सीफेरम से एक मलेरिया होता है जिसका नाम होता है मैलिगनेंट मलेरिया। मैलिगनेंट मलेरिया, और थोड़ा ध्यान से बच्चों मेरे पॉइंट को सुनना है, जहाँ पे मैलिगनेंट टर्म आता है वो बहुत खतरनाक होता है, वो फेटल होता है। अरे जिस दिन किसी पर्सन को मैलिगनेंट मलेरिया हो गया, हाईली चांस है कि वो मर जाएगा। आपने कैंसर का नाम सुना होगा, ट्यूमर का नाम, बेनाइन ट्यूमर, मैलिगनेंट ट्यूमर। मैलिगनेंट जहाँ पे आएगा वो खतरनाक है। तो ये मलेरिया होता ही नहीं है, किसी को अगर हो गया तो दिक्कत वाली बात है बच्चों। ठीक है। तो मेलिग्नेंट मलेरिया जो होता है बच्चों ये फेटल होता है, ये जानलेवा होता है, जान ले सकता है। ठीक। जो प्लाज्मोडियम होता है बच्चों ये अपने लाइफ में दो होस्ट को यूज करता है, इसीलिए इसे डाइजेनेटिक होस्ट के नाम से पुकारते हैं। डाइजेनेटिक के नाम से दो होस्ट को यूज करता है, और इसका पहला होस्ट जो है बच्चों, पहला होस्ट ह्यूमन है और दूसरा होस्ट इसका क्या है बच्चों? फीमेल एनोफिलीज। दूसरा होस्ट क्या है बच्चों इसका? फीमेल एनोफिलीज। ठीक है। और फीमेल एनोफिलीज का इन्फेक्टेड स्टेज क्या है? कौन बताएगा? गैमिटोसाइट्स। गैमिटोसाइट्स। तो फीमेल एनोफिलीज का इन्फेक्टेड स्टेज क्या है बच्चों? गैमिटोसाइट्स। और मैन का इन्फेक्टेड स्टेज क्या है बच्चों? तो स्पोरोज्वाइट है, स्पोरोज्वाइट है बच्चों। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फीमेल एनोफिलीज होस्ट भी है और वेक्टर भी है, क्योंकि बीमारी करती भी है और नुकसान भी पहुंचाती है बच्चों, फैलाती भी है। तो ये होस्ट भी है और क्या है? वेक्टर भी है। तो ये दोनों है, होस्ट भी है और वेक्टर भी है, बीमारी फैलाती भी है। ठीक है। अब आइए बच्चों अपन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का लाइफ साइकिल समझते हैं कि हमारी एनसीईआरटी बुक ने क्या क्या बात कही है। थोड़ा ध्यान से बोर्ड की तरफ फोकस करिएगा, एक सेकंड में सब कुछ समझ में आ जाएगा, केवल फोकस करना बोर्ड की तरफ बच्चों। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नोट कर लो ये वाला पॉइंट, हो गया? चलिए आइए अब मलेरिया की बच्चों थोड़ी लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। मलेरिया की लाइफ साइकिल की बात करते हैं, लाइफ साइकिल की बात करते हैं। ठीक है। ये मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैंने लिखा है इन्फेक्टेड, तो मतलब इसके सलाइवा के अंदर क्या होगा? प्लाज्मोडियम होगा। और सलाइवा कहाँ पे स्टोर होता है बच्चों? तो सलाइवरी ग्लैंड में होता है। कौन से ग्लैंड में होता है? सलाइवरी ग्लैंड में होता है, सलाइवरी ग्लैंड में। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज किसी को बाइट करती है तो खून चूसने से पहले अपना सलाइवा डालती है। सलाइवा क्यों डालती है बच्चों? ताकि ब्लड क्लॉट ना हो सके और आसानी से ब्लड को सक कर सके। और जब सलाइवा डालेगी तो प्लाज्मोडियम भी चला जाएगा। ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज जब बाइट करती है, बाइट करती है किसको? हेल्दी पर्सन को। बाइट टू अ हेल्दी पर्सन। और जब बाइट करती है तो अपना सलाइवा डालती है, और सलाइवा में प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कहाँ पे आ गया? हमारे ब्लड के अंदर। तो मतलब यहाँ पे लिख दे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एंटर्स इन ब्लड, और विद इन 30 मिनट के अंदर ये प्लाज्मोडियम कहाँ चला जाता है? लीवर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम
रिचेस लीवर, लीवर में चला जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर 30 मिनट के अंदर ये लीवर में क्यों चला गया, लीवर में जाने का रीजन क्या है? अरे ब्लड में रहेगा तो WBC मिलेगा, और WBC मिलेगा तो इसे खा जाएगा, इसीलिए भाग जाता है लीवर में। ठीक है, अब ये लीवर के अंदर जाने के बाद लीवर के अंदर एसेक्सुअल साइकिल चलाता है, जाके उसके अंदर मल्टीप्लाई करता है, मतलब कि प्लाज्मोडियम, थोड़ा ध्यान से सुनना, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई एसेक्सुअली इन कौन सा सेल बच्चों, लीवर सेल, लीवर सेल के अंदर जाके ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और अपना नंबर बढ़ाता है। लीवर के सेल को अपन हिपेटोसाइट्स के नाम से पुकारते हैं। तो मान के चलो बच्चों, मैंने कहा कि ये लीवर की सेल है और प्लाज्मोडियम आया, और प्लाज्मोडियम आया ही नहीं, अपना नंबर बढ़ाना चालू किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। एक समय ऐसा आएगा कि लीवर की सेल क्या हो जाएगी बच्चों, फट जाएगी, और जब लीवर की सेल फट जाएगी तो ये प्लाज्मोडियम कहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। अब इसमें से कुछ प्लाज्मोडियम फिर नए लीवर सेल पे अटैक करेगा, लेकिन इसमें से कुछ प्लाज्मोडियम किसके ऊपर अटैक करता है, RBC के ऊपर। तो प्लाज्मोडियम अटैक RBC के ऊपर अटैक करता है, और RBC के ऊपर अटैक करने के बाद भी ये RBC के ऊपर अटैक करता है और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है और उसके अंदर अपना नंबर बढ़ाना चालू करता है। तो लिख लीजिए, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी। ये रहा राउंड बाइकॉनकेव, ये रहा आरबीसी, ये प्लाज्मोडियम इसके अंदर आया, नंबर बढ़ाना चालू किया, और जब इसके नंबर बढ़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि आरबीसी की सेल फट जाएगी, आरबीसी फट गया, और जब आरबीसी फटेगी बच्चों तो ये प्लाज्मोडियम कहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ब्लड में रिलीज हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से पॉइंट को सुनिएगा, ये जो प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर आया है बच्चों, अब इसमें से कुछ प्लाज्मोडियम आरबीसी के ऊपर फिर अटैक करेंगे, ठीक है, फिर आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन कुछ प्लाज्मोडियम जो आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये साइकिल कुछ समय चलने के बाद ये साइकिल, ये प्लाज्मोडियम फिर आरबीसी पे अटैक करेगा, फिर ब्रस्ट होगा, ठीक है। तो ये, और एक पॉइंट और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट और थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, कि जब आरबीसी फटती है तो केवल प्लाज्मोडियम ही नहीं निकलते, कुछ ग्रेन्यूल भी निकलते हैं, जिस ग्रेन्यूल का नाम होता है बच्चों हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल। कौन सा ग्रेन्यूल? हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल, और इसी ग्रेन्यूल के वजह से आपको मलेरिया का सिम्टम आता है, चिल्स एंड फीवर। चिल्स एंड फीवर का मतलब ठंड के साथ बुखार लगेगा, ठंड के साथ बुखार लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, कुछ साइकिल चलने के बाद ये प्लाज्मोडियम आरबीसी में तो इंटर करते हैं, लेकिन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोसाइट में। तो ये रहा आरबीसी, इंटर तो किए हैं आरबीसी में, लेकिन किस में कन्वर्ट हो गए बच्चों, गैमेटोसाइट में। किस में कन्वर्ट हो गए? गैमेटोसाइट में, ठीक है, गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए, गैमेटोसाइट्स। और गैमेटोसाइट्स किसके लिए इन्फेक्टेड स्टेज है? फीमेल एनोफिलीज के लिए, अभी मैंने पहले आपको बताया है बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, मैंने लिखा है गैमेटोसाइट्स, गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब गैमेटोसाइट्स एसेक्सुअल स्टेज की सेक्सुअल स्टेज होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अब कोई हेल्दी फीमेल एनोफिलीज, कोई हेल्दी फीमेल मॉस्क्यूटो इस पर्सन को बाइट करेगा, और जैसे बाइट करेगा कोई हेल्दी फीमेल मॉस्क्यूटो, कोई भी हेल्दी मॉस्क्यूटो जब ये पर्सन को बाइट करेगा तो खून चूसेगा, और खून जैसे चूसेगा बच्चों ये गैमेटोसाइट्स भी इसके अंदर चले आएंगे। रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, कोई भी हेल्दी फीमेल एनोफिलीज जब इस पर्सन को बाइट करेगी तो खून चूसेगी, और खून चूसेगी तो ये गैमेटोसाइट्स उसके गट में चले जाएंगे, ठीक। तो ये अगला स्टेप है बच्चों, गैमेटोसाइट्स इंटर्स इन मॉस्क्यूटो गट, मॉस्क्यूटो के गट में चले जाएंगे, ठीक है।
और नाम में है गैमिटोसाइट्स, मतलब अब गैमिट का फ्यूजन होगा, और जब गैमिट का फ्यूजन होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है बच्चों, जाइगोट बनेगा, तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होगा। और ये फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट किसके अंदर हो रहा है बच्चों, मस्क्यूटो गट के अंदर हो रहा है। और जब डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेंगे, स्पोरोजॉइट बनेगा, क्या बनेगा, स्पोरोजॉइट बनेगा। और स्पोरोजॉइट किसके अंदर बनेगा, मॉस्क्यूटो गट के अंदर बनेगा, और यही स्पोरोजॉइट सेलाइवरी ग्लैंड के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अब यही इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो ये स्पोरोजॉइट इस पर्सन के अंदर चला जाएगा। तो यही लाइफ साइकिल है, बस खत्म। दो बार वीडियो को सुनिएगा, आराम से समझ में आएगा। और ऐसे लाइन आप चाहें तो क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे लाइन आप चाहें तो बना सकते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे लाइन आप चाहें तो ऐसे कर दीजिए। क्योंकि इधर वाली पूरी साइकिल जो है, इधर वाली पूरी साइकिल किसके अंदर चला है, ह्यूमन के अंदर चला है। और कैसा रिप्रोडक्शन हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। और इधर वाली पूरी साइकिल किसके अंदर चली है, तो फीमेल एनोफिलीज के अंदर चला है। और कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ है बच्चों, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही पढ़ते हैं, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में जो और डिजीज़ बचे हैं उसे ख़त्म करके फिर अपन इम्यूनिटी वाले टॉपिक पे आएंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और जिस भी टॉपिक का आपको डिमांड है कि सर ये टॉपिक समझा दीजिए, इस टॉपिक का वीडियो लेक्चर बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि सर इस टॉपिक, इस चैप्टर के, इस टॉपिक का बना दीजिए, तो मैं उसे भी बना दूंगा, या चैप्टर आप कह दो। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।